दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंटरडे कोच में। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं। उसका कारण मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम चैनल में भी मैंने आपको अपडेट किया था कि मैं कुछ समय तक बिजी रहूंगा। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, आज मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कल भी बिजी हूँ, अब नेक्स्ट लेवल 11 को अपडेट करूँगा। एक्चुअली मैं, आपको पता ही है कि मैं जॉब करता हूँ और मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो अभी शिफ्टिंग में मैं व्यस्त हूँ, इसलिए मैं अभी इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं कर पाया। और बाकी जो लोग हमसे क्लास ले रहे हैं, ये उनका एक कमेंट हमने डाला था, उन्हें क्लास पसंद आई थी। खैर, मैं अब अपडेट कर रहा हूँ लेवल। हो सकता है कि आगे मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूं। और मेरे दिए गए इस लिंक पर काफ़ी लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया है। मैं उनके लिए भी कुछ सोच रहा हूं, कुछ प्लानिंग कर रहा हूं, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। और इन लेवल्स के साथ साथ मैं आपको बाई सेल के लिए कुछ रिकमेंड भी करने वाला हूं। तो जो लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वो अपना इस चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। मैंने हर वीडियो के लास्ट में एक लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके द्वारा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने ट्रेड किया है और आज मुझे अभी समय मिला है। मैं 12 बजे से फिर बिजी हो जाऊंगा। मैंने ट्रेड निकाल दी है, तो आपको बताते हैं कि आज मैंने क्या ट्रेड ली है। ये देखिए, डे स्ट्रिक IOC में हमको 5,425 रुपये मिले हैं और सन TV में मुझे 5,000 रुपये मिले हैं। कैसे मिले हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले अभी पिछला वीडियो मैंने डाला था, तो ये लंबी सी रेड लाइन देखने के बाद लोगों ने हमसे कहा था कि सर, आप अपना लॉस नहीं दिखाते हो, केवल प्रॉफिट दिखाते हो। जैसे मैंने बोला, अभी हमें 10,425 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मात्र आधा घंटे के अंदर मैंने ये प्रॉफिट बुक किया है। तो लोग कहते हैं कि ये नहीं दिखाते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी इस टेलीग्राम चैनल पर अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि मैं लगातार आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी ढूंढता रहता हूं और स्ट्रेटजी के चक्कर में मैं काफ़ी कुछ पोजिशनल भी लेकर छोड़ता हूं। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं ये लॉस नहीं दिखाता हूं, तो ये मेरी नॉर्मल पोजीशन आप यहां देख सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और ये देख सकते हैं CO, यहां पर ये CO है। तो अब यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में भी हमको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमने बैंक निफ्टी की आपसे बात नहीं की, केवल हमने बात की आपसे जो आज ट्रेड किए इंट्राडे में 10,425 रुपये। बाकी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी में मुझे 13,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और ये जिंक है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जिंक में जो मुझको लॉस हो रहा है, वो मैंने क्या सोचकर ये हमने बनाया था। तो दोस्तों, जब ये 1 अप्रैल स्टार्ट होने वाला था, तो जिंक मेगा 218 रुपये 80 पैसे का चल रहा था और जिंक मिनी 205 रुपये 35 पैसे का चल रहा था। तो मैंने ये सोचा कि ये दोनों ही जिंक हैं, दोनों ही मेटल हैं, अगर इनमें कोई भी डिफरेंस आएगा, अगर 1% जिंक बढ़ता है तो दोनों 1% बढ़ेंगे, 1% घटता है तो दोनों 1% घटना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें मैनिपुलेशन हो रहा है। तो मैंने ये सोच के लिया था कि इन दोनों के बीच में लगभग उस समय 13 रुपये का डिफरेंस था, और मैं चाह रहा था कि जब अप्रैल के लास्ट में एक्सपायरी होती है, तो ये जो गैप है वो कम होना चाहिए। अभी भी 12 अप्रैल है, 30 अप्रैल आने में टाइम है, मैं इसको अभी अपने पास होल्ड करके रखा हुआ हूँ। तो ये जो गैप था हमारा 13 रुपये का, अब ये देखिए 202 रुपये 70 पैसे, 3 मान लो, और ये 226 रुपये, मतलब लगभग 23 रुपये का गैप हो गया है। जो गैप 13 रुपये का था, वो 23 रुपये का गैप लगभग हो गया है। तो इसलिए मुझको ये लॉस हो रहा है। लेकिन अभी भी मुझे यकीन है कि जब एक्सपायरी आएगी, तो ये गैप जो है वो इन दोनों के बीच का कम हो जाना चाहिए। अगर कम हो जाएगा तो ये आप लोगों के लिए प्रॉफिट की बात है, क्योंकि जब भी कभी इस तरह का सिनारियो हमको दिखेगा, तो मैं आप लोगों को बता सकूंगा कि आप इसमें अपनी एक सेलिंग पोजीशन और एक बाइंग पोजीशन बना लो। तो देखिए, जिंक अप्रैल जो था, ये मेगा लॉट है, इसमें एक लॉट हमने सेल किया था 218 रुपये 80 पैसे पे, और जिंक मिनी के मैंने 5 लॉट बाई करके छोड़े हुए थे। तो ये इस तरह से हमने एक बनाया था कि इन दोनों के बीच का अगर 13 रुपये का गैप कम होगा, तो हमें 85,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड बनाया था। अब मुझे भी नहीं पता कि 30 अप्रैल को क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में गैप कम होने वाला है या गैप बढ़ने वाला है, ये अभी हमको कुछ भी नहीं पता है। तो देखते हैं क्या है। ये बैंक निफ्टी मेरे 20 क्वांटिटी एक लॉट शॉर्ट किया हुआ है, इसमें हमें 12,800 का प्रॉफिट चल रहा है। ये लाइव चल रहा है, अभी 13,000 दिखा रहा था। तो दोस्तों जो हमने नॉर्मल में पोजीशन बना के रखी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंट्राडे की। इंट्राडे में मैंने केवल 2 पोजीशन ली और आधा घंटे के अंदर हमने ये बुक कर दिया। और मैं आपको बताता हूँ ये आईओसी में मेरे को 5,000 मिला है, सन टीवी में 5,000 मिला है। तो ये कैसे मिला है, ये देखिए आईओसी का चार्ट है। अब ये आईओसी का चार्ट आप देख सकते हैं, ये 12 तारीख है, ये पहली ग्रीन कैंडल बनी और दूसरी रेड बनी, यहीं पर रिजेक्शन हो गया। लेकिन चूंकि मैं यहाँ उस समय कंप्यूटर ऑन नहीं किया था, तो मैं इसको ले नहीं पाया, नहीं तो मैं एग्रेसिवली इसको यहीं पर शॉर्ट कर सकता था। कोई बात नहीं, नहीं ले पाया, फिर मैंने थोड़ा वेट किया। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि ऑसम ऑसिलेटर में जब सेकंड रेड बनता है तो मैं उसको सेल कर देता हूं। तो मैंने सेकंड रेड पे इधर पे हमने इसको सेल किया है और इस कैंडल पर मैंने इस पर निकल गया, क्योंकि मेरा टारगेट ही 5,000 रुपये था। 5,000 रुपये से ज़्यादा भी मिल सकता था, लेकिन हमने वेट नहीं किया, बल्कि मैं इसी कैंडल पर इससे बाहर हो गया। तो दोस्तों ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। प्राइस एक्शन का मैं आपको बताता हूं कि जब ये पहली कैंडल बनी और दूसरी कैंडल में प्राइस रिजेक्ट हो गया, तो आप दूसरी कैंडल के लो के नीचे आप इसको सेल कर सकते थे। और देख रहे हैं आप, तीसरी कैंडल रेड बनी, चौथी कैंडल रेड बनी, तो ये जब रेड में दूसरी कैंडल बनी थी, आप यहाँ पर भी इसको शॉर्ट कर सकते थे और बड़ा ईजिली। जहाँ पर आपने शॉर्ट किया, इस कैंडल पर अगर आपने शॉर्ट किया, मैंने तो इस कैंडल पर शॉर्ट किया था, तो इस कैंडल पर मैंने शॉर्ट किया था और इस कैंडल के हाई पर 158 रुपये 40 पैसे था। मैंने 158 रुपये 50 पैसे पर इसमें स्टॉप लॉस लगाया था और 158 रुपये के आसपास मैंने इसको सेल किया था और यहाँ पर मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया। सन टीवी की अगर हम बात करें, सेम सिनारियो सन टीवी में था कि सन टीवी में ये मार्केट आज खुला, ये देखिए ठीक ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल गई है, दूसरी कैंडल में प्राइस का रिजेक्शन हो गया। ये प्राइस एक्शन का एक पार्ट है। प्राइस का अगर रिजेक्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट में इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने वाला है। लेकिन मैंने इसको यहाँ सेल नहीं किया क्योंकि हमारा ऑसम ऑसिलेटर हमको इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन अगर हम ऑसम ऑसिलेटर नहीं लेते तो मैं डेफिनेटली इसको यहाँ पर 605 रुपये के आसपास मैं इसको सेल कर देता। खैर मैंने इसको सेल किया जब ये फर्स्ट रेड बना हमारा, उसके बाद मैंने जब ये फर्स्ट रेड बना तो इसमें क्या हुआ, नीचे से प्राइस का रिजेक्शन हो गया। तो हो सकता था कि ये ऊपर जाता, तो मैंने वेट किया और नेक्स्ट कैंडल में वैसा ही हुआ, ये ऊपर गया। और उसके बाद जब रेड कैंडल में रिजेक्शन हुआ है तो मैंने इस जगह पर इसको सेल किया है, 603 रुपये 80 पैसे के आसपास मैंने इसको सेल किया है और मैंने इस कैंडल पर 600 रुपये 20 पैसे के आसपास 600 रुपये 50 पैसे के आसपास मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दोस्तों ये मेरा बाई और सेल करने का कारण था। और मैं आपको जैसा कि हर बार बताता हूं कि मैं क्यों बाई करता हूं, क्यों सेल करता हूं, इसका सपोर्ट अगर आप लेना चाहें तो आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं तो प्राइस एक्शन के तहत अगर आप इसको सेल करते तो आपको लंबा प्रॉफिट हो सकता था। मतलब इसमें भी आपको 10,000 का प्रॉफिट हो सकता था और आईओसी में तो आपको 10,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो सकता था। एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, एक लॉट में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। तो दोस्तों मैं कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ। 10,425 रुपये है मेरा फंड भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 10,425 रुपये रिलाइज प्रॉफिट है। ये मेरा मार्जिन अभी अवेलेबल है, यहाँ पर भी अभी 10,000 रुपये का मार्जिन है हमारे पास। तो मेरे को कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं साफ साफ जो भी है। अब देखिए यहाँ पे 13,000 12,900 ये प्रॉफिट लाइव चल रहा है। इसको मैं बैंक निफ्टी को अभी होल्ड किया हूँ। मेरा लग रहा है मुझको इसका चार्ट देखकर कि अगर ये 30,100 क्रॉस नहीं करता है तो ये 29,500 तक जाना चाहिए। तो मैं 1-2 दिन वेट करता हूँ और फिर जैसा भी होगा मैं आपको सामने हाजिर हो जाऊँगा और इसको बताऊँगा मैंने कि क्यों सेल किया था और क्यों बाई कर रहा हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का मेरा टोटल प्रॉफिट 10,425 और मात्र आधा या घंटा या 45 मिनट के अंदर मैंने ये प्रॉफिट बुक किया है। और चूंकि मेरे को फिर मैं बिजी होने वाला हूँ तो मैंने इसको सेल करके, और अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम था तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। और बाकी आप कमेंट करिएगा, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको उसमें काफ़ी कुछ बेनिफिट आगे मैं प्लान कर रहा हूँ वो आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने मेरे अंडर में अकाउंट खुलाया है उनके लिए भी मैं बहुत लंबा प्लान करने की कोशिश कर रहा हूं। अब उसमें कितना समय लगेगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, मुझे नहीं पता। और हाँ, एक्सिस बैंक की स्ट्रेटजी भी मेरी तैयार है। जैसे ही मुझको समय मिलेगा मैं एक्सिस बैंक की स्ट्रेटजी भी आपको बता दूँगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।